नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 58,52,891 के पार और अब तक 1,01,172 लोगों की गई मौत। गुजरात से कोरोना के मामले, आपको बता दें गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 8,17,707 के पार, 7,93,028 मरीजों को मिली राहत और अब तक 9,955 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 7,86,302 के पार, 7,69,914 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,405 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 14,29,791 के पार, 14,161 मरीजों को मिली राहत और अब तक 24,668 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 9,47,504 के पार, 9,25,161 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,719 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 16,99,799 के पार, 16,64,296 मरीजों को मिली राहत और अब तक 21,425 पहुंचा मौत का आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले 22,74,704 के पार, 20,28,344 मरीजों को मिली राहत और अब तक 27,675 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 17,71,007 के पार, 16,51,790 मरीजों को मिली राहत और अब तक 11,629 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले 5,95,000 के पार, 5,67,000 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,409 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले 5,82,081 के पार, 5,48,316 मरीजों को मिली राहत और अब तक 15,219 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना वायरस के मामले 7,14,590 के पार, 7,01,334 मरीजों को मिली राहत और अब तक 5,458 के पार मौत के आंकड़े। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 29,697 के पार, 131 मरीजों को मिली राहत और अब तक 125 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में कोरोना वायरस के मामले 8,19,214 के पार, 7,47,805 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,088 लोगों की मौत। केरल में कोरोना वायरस के मामले 26,42,396 के पार, 24,83,650 मरीजों को मिली राहत और अब तक 10,158 लोगों की मौत। असम में कोरोना वायरस के मामले 4,38,746 के पार, 3,85,032 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,695 मौत का आंकड़ा। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले 3,41,576 के पार, 3,31,204 मरीजों को मिली राहत और अब तक 5,060 लोगों की मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के मामले 13,679 के पार और 10,463 मरीजों को मिली राहत और अब तक 55 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 1,95,755 कोरोना के मामले आए सामने, 1,84,878 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,299 की मौत। उत्तराखंड में 3,34,965 के पार कोरोना के मामले आए सामने, 3,10,291 मरीजों को मिली राहत और अब तक 6,797 लोगों की मौत। मेघालय में कोरोना वायरस के मामले 39,535 के पार, 33,933 मरीजों को मिली राहत और अब तक 678 लोगों की मौत। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के मामले 56,167 के पार, 49,519 मरीजों को मिली राहत और अब तक 569 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले 9,82,962 के पार, 9,50,234 मरीजों को मिली राहत और अब तक 13,257 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के मामले 1,60,284 के पार, 1,51,526 मरीजों को मिली राहत और अब तक 2,859 की मौत।
पश्चिम बंगाल में 14,37,446 के पार मौत का आंकड़ा, इसके साथ ही 14,01,161 मरीजों को मिली राहत और अब तक 16,460 लोगों की मौत।